हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रामगढ़ टेक में। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम झारखंड और देश से जुड़ी 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धनबाद में पहली बार 1,07,000 रुपए के पैकेज में 2 मरीज का सफल सीमेंटलेस टोटल हिप सर्जरी का हुआ इलाज, चिकित्सकों ने कीर्तिमान स्थापित किया। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय राही की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों को जागरूक किया वोट देने को लेकर, घर घर से सभी को निकलकर वोट देने का किया अपील। तेलंगाना के डिप्टी सीएम पहुंचे बोकारो, कहा झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने की जरूरत। 5 साल में 7 साल बढ़ गई सीएम सोरेन की उम्र, बीजेपी ने नामांकन पत्र पर उठाए सवाल, जांच में जुटा इलेक्शन कमीशन। झारखंड बंगाल सीमा के फरीदपुर चेक पोस्ट में 4,00,000 रुपए से अधिक जब्त, छानबीन के दौरान पुलिस ने किया है कई रुपये बरामद। नैनीताल, बिहार, असम, झारखंड, उत्तराखंड समेत कई जगह कई राज्यों में स्कूल हो चुका है बंद। इसका कई मुख्य कारण उत्तराखंड बिहार स्कूलों में गर्मी को लेकर धार्मिक त्योहार तथा बाघों की गतिविधि को देखते हुए कई कारणों से स्कूल को बंद करने का सरकार ने जारी कर दिया आदेश। मधुपुर में मंत्री हफीजुल हसन ने किया विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण, लोगों को दिया है शुभकामनाएं। झारखंड कैबिनेट के फैसले, रिम्स को मिली 738 करोड़ की सौगात, यहां खुलेंगे डिग्री कॉलेज, हर जिले में बनेंगे बार काउंसिल भवन। मानगो सीएससी बना झारखंड का पहला ई अस्पताल, अब घर बैठे लगेगा नंबर, मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। अब सभी सरकारी अस्पतालों में होगी आंखों की सर्जरी, हर जिले के लिए खरीदी जाएगी एक एक फेको मशीन। कोलकाता रेप मर्डर के कारण झारखंड के 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर कर रहे हड़ताल, मरीज भटकने पर हो गए हैं मजबूर। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, दिल का दौरा पड़ने के बाद सांसद को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस का बीच रास्ते में डीजल हुआ खत्म। गिरिडीह के 6 जिलों में विधानसभा सीट के लिए दिग्गज ने दाखिल किया नामांकन, प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। झारखंड इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चरण में 685 उम्मीदवार उतरेंगे मैदान पर, वोट की गिनती से तय होगा किसकी खुलेगी किस्मत। हेमंत ने झारखंड के पूर्व मंत्री सत्यानंद झा से मुलाकात की, नामांकन वापस लेने का आग्रह किया। झारखंड चुनाव पूर्व डीएसपी को भाजपा ने ऐसे बनाया महेशपुर से उम्मीदवार, हाईकोर्ट चुनाव आयोग तक पहुंच गई थी बात। दिवाली के बाद झारखंड में शुरू हो जाएगा चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार रंग जमाएंगे सभी प्रचारक, राहुल गांधी से लेकर मोदी तक पहुंचेंगे झारखंड, करेंगे बड़ी बड़ी रैली। झारखंड के बोकारो में पटाखे की दुकान में लगी आग, मची अफरा तफरी, प्रशासन ने किया आग पर काबू, कई दुकान जलकर हो गई खाक। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन पर बरसे गिरिराज सिंह। झारखंड के पलामू में 11 साल की बच्ची से रेप, 72 साल के आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर दिया वारदात को अंजाम। झारखंड में दिवाली को बांधना पर्व के रूप में मनाया जाएगा, 4 दिन का होगा आयोजन, कई जिले में रहेंगी छुट्टी। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे गढ़वा, झारखंड के मुख्यमंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। झारखंड के रन में उतरे नामचीन चिकित्सा डॉक्टर बीपी कश्यप, चुनाव अखाड़े में विरोधियों को पटखनी देने के लिए तैयार, महारथियों से है सीधा मुकाबला। विधानसभा चुनाव के दौरान आईएएस अधिकारी समेत कई लोगों के ठिकाने पर रेड, झारखंड में भी अब लिक्विड स्कैम को लेकर सीबीआई कर रही जांच। दिवाली के बाद झारखंड में लगेगा दिग्गज नेताओं का जमावड़ा, मोदी शाह राहुल खड़गे जुटेंगे झारखंड में, कर सकते हैं बड़ी बड़ी रैली। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने दिवाली के मौके पर झारखंड के लोगों को दिया बधाई, संथाल परगना के लोगों के लिए दिया शुभकामनाएं।
सास बहु में लड़ाई करवा दी मैया योजना की शुरुआत। हेमंत बिस्वा सरमा का हेमंत सरकार पर तंज। झारखंड में जयराम महतो को बड़ा झटका। कल्पना सोरेन के खिलाफ जिसे बनाया उम्मीदवार उसने थामा जेएमएम का दामन। झारखंड के प्राइवेट स्कूल पर झारखंड पुलिस की रेड। 1,15,00,000 रुपया कैश बरामद। जेएम नेता बोले बीजेपी कर रही है हमारी पार्टी को फंसाने की साजिश। गढ़वा के विधायक मिथिलेश ठाकुर हनी ट्रैप के शिकार हुए। मंत्री ने वीडियो जारी कर खुद बताई आप बीती।